संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर पिटा। शुक्रवार को बंद कमरे में हुई सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में पाकिस्तान को केवल चीन का साथ मिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं खास बात। भारत के कूटनीतिक दांव से कश्मीर मामले में पाकिस्तान और चीन दोनों को ही मुंह की खानी पड़ी। चीन के दबाव के बावजूद संयुक्त राष्ट्र परिषद में पाकिस्तान के प्रयास को सिरे से खारिज कर दिया गया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र की अनौपचारिक बैठक में एक बार फिर अपना पैंतरा चलते हुए पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन उसकी इस चाल की पूरी तरह से हवा निकल गई। कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए पाकिस्तान चीन के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन फिर भी इनकी चाल कामयाब नहीं हुई। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर भारत से अपनी दोस्ती निभाई और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच का मामला है। सूत्रों के मुताबिक रूस और फ्रांस जैसे देश भारत के पक्ष में मुखरता से खड़े दिखे। दरअसल पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष जोआना रोनेस्को का पत्र लिखकर तत्काल बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान की ये मांग अनसुनी कर दी गई। इसके बाद पाकिस्तान के खास सहयोगी चीन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की। इसी के बाद ये अनौपचारिक बैठक हुई। पाकिस्तान ने इस बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया था, लेकिन उसके इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया। P5 यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस में से रूस पहला देश था जिसने कश्मीर के मुद्दे को आंतरिक मुद्दा बताया और पाकिस्तान को 1972 के शिमला समझौते की भी याद दिलाई। खबरों के मुताबिक कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 14 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री सेर्गे लावारोव से फोन पर बात की। इसके बाद रूस ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर के बदले हालात पर चर्चा हुई। रूस ने पाकिस्तान से कहा कि भारत से सारे मतभेद द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाए, इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। रूस ने पाकिस्तान को यह भी साफ कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में भी उसके प्रतिनिधि इसी रुख पर कायम रहेंगे। रूस ने यह भी साफ कर दिया था कि संयुक्त राष्ट्र की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 सितंबर को रूस के व्लादिवोस्टोक में होने वाली ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे। इस बैठक के दौरान भी भारत रूस के एजेंडे में कश्मीर मुद्दा शामिल रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सीधे सीधे कश्मीर मसले पर द्विपक्षीय वार्ता से तनाव कम करने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने बैठक के बाद साफ कहा कि कश्मीर पर लिए गए फैसले से बाहरी लोगों का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान जिहाद के नाम पर भारत में हिंसा फैला रहा है। हम अपनी नीति पर हमेशा की तरह कायम हैं। भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत पाक के सभी मसले बातचीत से सुलझाए जाएंगे। हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाना बंद करना होगा। कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि चीन को छोड़कर ज्यादातर देशों ने भारत के रुख को समझा है। भले ही इस पूरे मामले में चीन का रुख अहम है, लेकिन अगर चीन एक सीमा से आगे बढ़ता है तो वो खुद भी कई मोर्चों पर घिर सकता है। जानकार ये भी मानते हैं कि भारत को चीन से भी सचेत रहना होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में चीन ही वो अकेला देश है जिसने सारी वास्तविकताओं को दरकिनार कर भारत के रुख का विरोध किया। जानकार भारत के पुराने दोस्त रूस के मुखर समर्थन को भी अहम मान रहे हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर बंद कमरे में अनौपचारिक चर्चा के बाद किसी तरह का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाता है तो भारत के पक्ष में रूस, फ्रांस जैसे देशों का रुख प्रस्ताव लाने वाले देशों पर उल्टा पड़ेगा। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान की चाल तो नाकाम
याब हो गई। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर बौखलाया पाकिस्तान किसके आगे अब अपना रोना रोता है। आज की खास बात बस यहीं तक। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं, कमेंट जरूर करें। हमारा एक कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। खास बात में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।